कि नहीं? आप वहां पे मैं पहली बार, मैं सही बता रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, वेट ड्रिंक, मॉक ड्रिंक, पहली बार इतना ड्रिंक का नाम सुना एरोप्लेन के अंदर। अब जो जो खाना दे रहा है फ्री मिल रहा है, फ्री वाला खाना जल्दी निपटाने वाला काम होता है क्या? पहले कर्ज का पार्टी ज्यादा करते थे, पहले अगर किसी का देख रहे पार्टी हो रहा बगल में, स्टूडेंट ने घुस जाते थे खाने में, उधर पूछता था किधर से आया तू, हम बोले तू किधर से, तो बोला आप लड़का तरफ से, बोला हम भी तो लड़की तरफ से, बच्चा दोनों सामने खड़ा है, वो बोला हम लड़का ही लड़की, बोला नहीं पहचाने तुमको, बोला नहीं पहचाने, वो समझ जाता है सदा बाहरी मान घुसा हुआ है। तो देखते जब घुनाने वाला बोला भाई आग मत उठाना, बैठ वाला से ये आदत होती थी पहले, आदत होती थी क्या चुका खाने का। अब तो एरोप्लेन में फ्री में खाना मिला तो क्या करेंगे आप वहां पे, जितना भेज नॉन भेज मिला सब निपटा दिए। आप जब निपटा दिए, अब देखो मेरा पहली बार जो इंसिडेंट हुआ था, जब निपटाए ना, अब 2 बजे रात में एरोप्लेन दी, 2:30 बजे खाना मिला, रात को 2:30 बजे, और उसके पहले भी 8-9 बजे निपटाए थे, पहले भी खाना खा के चढ़े थे, अब 2:30 बजे मिला वो भी निपटाए, अब जैसे उतरे 6 बजे ढूंढ रहे किधर है किधर है, लेकिन मैं बोला मैं कहां तो भैया नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे आप सब तो दौड़ रहे आप दिमाग खराब हो गया, आप लोग पकड़ रहे हैं छोड़िए। अब क्या हुआ, मेरा ग्रुप, हम लोग ग्रुप में करीब 40-45 लोग थे, 41 लोग भाग गए। अब हम एयरपोर्ट में इधर उधर ढूंढ रहे, मिला बहुत रिलैक्स बाबा, उसका बोला बे देवेंद्र ने बोला बे तू कहाँ था, भैया मत पूछे भैया रात में निकाय तो उसका रिजल्ट बाहर दूसरा दिन समझ में आया, बोला क्या खाया था, बोला भैया भेज नॉन वेज सब निपटा दिए, मतलब नॉन वेज में क्या था पता है, बोला क्या था, अबे केकड़ा था, चूहा चटनी था, चूहा का चटनी ऐसा नहीं तो मजाक कर रहे हैं देवेंद्र, ऐसे ऐसे चीजों से मुलाकात होती है। हाँ ना आप दोस्तों, ये थाईलैंड का मजा था, इसी तरह मैं दुबई में गया था तो दुबई में डेजर्ट सफारी हुआ, ये थाईलैंड का मजा बताया, दुबई जब गया था तो दुबई में क्या होता है डेजर्ट सफारी, डेजर्ट समझ रहे हैं आपको रे मरुस्थल में लेके जाएगा पूर्वी तक से, और एक अब जैसे पता नहीं था कैसा होने वाला, हम ड्राइवर के बगल में बैठे हुए थे, अब जैसे दुबई गया वहां धीरे मिलता था, थाईलैंड गया वहां बाट मिलता था।
था, करेंसी जो मिलती थी वहां कम मिलती थी। पहली बार मेरे लाइफ का जो मजा आया ना, 16 कंट्री मेरी थी और 16 कंट्री में रुपया किया इतना और मिला वहां का पैसा इतना। इंडोनेशिया में दिया मालूम है कितना? इंडोनेशिया 5,000 रुपए में 7.5 लाख रुपया मिलता था, 7.5 लाख रुपया। मतलब इंडिया का वैल्यू 1 रुपया, वहां सीधा 210 रुपया। इंडिया से अगर 1 लाख रुपए लेके जाओ तो सीधे वहां 2 करोड़ हो जाता, जाते साथ करोड़पति, जाते साथ करोड़पति। और सबसे मजा वाला बात बताओ, उसमें काजल गई थी, पूनम सोनिया गई थी, ये विकास गया था, इधर निर्मल भैया गए थे, बहुत सारे लीडर गए थे। सबसे मजा चीज क्या मेरा मालूम है, शॉपिंग मॉल में एक जगह छोड़ा, बोला जाइए शॉपिंग करिए, आज सब लोग शॉपिंग करने में खुश होता रहे भैया, भैया जानते मजा आ गया शॉपिंग से, पहली बार जानते भैया 11 लाख का शॉपिंग। पूनम सोनिया बोलिए भैया 9 लाख दीजिए, बोले इंडिया मत मांगना यहाँ मांग लो। हम क्या हुआ भैया, घट गया भैया, मेरा पैसा होटल में दीजिए तब दे देंगे, तो ले ले जाओ शॉपिंग कर। उधर काजल खुश होकर बोले जानते भैया 14 लाख के शॉपिंग किए, कितना? उधर से एक आर्यन जानते, आर्यन आया, भैया हम तो जो क्रूज में जा रहे थे, क्रूज में जा रहे थे उसके पहले हमको बोला भैया खाइए ना, भैया खाइए क्या, अरे खाइए ना भैया, बिस्किट थी, अब एक बिस्किट खाए जानते भैया 1.5 लाख का बिस्किट खाए, कितना का खाए 1.5 लाख का बिस्किट, हमके इंडियन बोलो में मर्डर कर देगा, 1.5 लाख का बिस्किट होता है, है? अब उधर से निर्मल भैया आया, भैया खाइए चिप्स, खाइए चिप्स, अब चिप्स कितना होता जानते भैया 45,000 का चिप्स था, कितना चिप्स था 45,000। और जब रिवर राफ्टिंग करने गए तो रिवर राफ्टिंग में नारियल पानी पी रहा है, सब नारियल पानी 60,000-70,000 का नारियल पानी, कितना है भैया ज्यादा नहीं 70,000 का, अरे कितना है भैया ज्यादा बिल नहीं, 1.5 लाख का बिल बना है। मतलब पहली बार हम बोले भाई वहां पे जब बात करते देखे कोई